पीटीडी 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 पावर डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट पीटीडी पीटीडी अरे साहब हमारे साथ साफ करो हमारे साथ साफ करो हमारे साथ साफ करो हमारे साथ साफ करो पीटीडी पीटीडी पावर डिपार्टमेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसारा। जी नाज़रीन, अगर बात करें सब डिवीज़न कंगन की और सब डिवीज़न कंगन के अभी भी जो पुष्कर इलाका है वहां पर एक बस्ती ऐसी है जहां पर अभी भी जो है लोगों के साथ एक मजाक किया गया और ये मजाक इस तरह का है कि लोगों को जो है अभी भी बिजली की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। जी नाज़रीन, आपको बता दें कि गवर्नमेंट अगरचि कोशिश करती है कि ट्राइबल लोगों को कहीं किसी भी तरह से जो है सहूलियात पहुँचाए, लेकिन उस बीच अगर आपको बता दें आज से करीबन दो ढाई साल पहले जो है ट्राइबल प्लान के तहत इन लोगों को इस बस्ती में जो है एक ट्रांसफार्मर दिया गया था और इन लोगों का कहना है कि उसके बाद इसका काम भी शुरू हुआ, यानी कि टेंडरिंग हो गई थी। टेंडरिंग के बाद ठेकेदार को ये काम दिया गया। ये पोल जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये पोल लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद आज तक 3 साल गुजरने को है लेकिन वो काम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ। और ये लोग हैं, ये कहते हैं जब हम ऑफिस में जाते हैं वहाँ कहते हैं कि आपका पैसा जो है वो लैप्स हो गया है। अब समझ में नहीं आता कि ट्राइबल सब प्लान अगरचि ठेकेदार को टेंडरिंग होकर काम शुरू कर दिया गया तो पैसा लैप्स कहाँ से हो सकता है। ये गरीब लोगों के साथ मजाक है और इन्हीं से अभी बात करते हैं कि आखिर कितना टाइम हुआ और आज तक आपको क्या कुछ कहा जा रहा है और आप कहाँ तक गए थे। जनाब, हम गए थे एक्जन साहब के पास भी गए, AEE निसार साहब के पास भी गए, अभी फारूक साहब है उसके पास भी गए। हमारे साथ यकीन दहानी हुई जनाब, और हमारे साथ बिल्कुल नानसाफ़ी है। इस टाइम हमारी बिल है ये 790 रुपये की, हाँ, मगर हम इसको भरेंगे तब कि जब ये ट्रांसफार्मर लगेगा। हम गरीब लोग हैं, पिछले 3 साल से ठेकेदार को काम दे के हमने मजदूरी के पैसे भी हमें नहीं मिले। पोल हमने खुद लगाए, ठेकेदार ने बोला आप लगाओ आपको मजदूरी मिलेगी, वो मजदूरी भी नहीं मिली। ठेकेदार के पास जाते हैं वो कहता है हमारा पैसा लैप्स हो गया। जनाब, एक्जन साहब के पास अगले साल हम गए, उसने बोला पैसा लिप्स हो गया, अगली मार्च में छोड़ूंगा। उसके बाद 3 मार्च और चलेगी, हमारे साथ बिल्कुल नानसाफी है जनाब। ठेकेदार कौन था इसका? ठेकेदार इसका कंगन का था, उसका नाम उसको ना इजाज शेख था, कंगन का हबीब शेख का पोता था वो। अच्छा, आपने खुद पोल खुद लगाया? पोल हमने खुद लगाए, ठेकेदार ने बोला लगाओ आपको मजदूरी मिलेगी। ना हमें मजदूरी मिली, मजदूरी को भी गोली मारो, हमें पावर मिलना चाहिए, पावर भी नहीं। मेरे मकान के साथ देखो तार लगी हुई है इस टाइम, हाँ, अगर ये मकान जल जाए इसका जिम्मेदार कल कौन है? PDD डिपार्टमेंट को जिम्मेदार है। और ये मैंने तार खुद नहीं लगाई, ये लैंड मैन ने लगाई है। और यहाँ खंभे देखो आप, पोल के बिना दरख्त पर पावर लगा हुआ है, हाँ, ये हाइटेशन के पोल के साथ अभी करंट लगा हुआ है, कोई बच्चा मर जाए उसका जिम्मेदार कौन है यहाँ? जनाजीन, इलाके की जो पंच है उनसे बात करेंगे कि आखिर ये ट्राइबल सब प्लान था और उसके तहत जो है इलाके के लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाने की बात की, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं लोग कि ठेकेदार को काम मिला, काम स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद आज तक ये ट्रांसफार्मर नहीं लगा, तो आपके पास इसकी क्या जानकारी है? जी साहब, हमने बहुत बार इसके पास किया है, कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। बिजली वाले के पास भी जाते हैं वो भी नहीं सुनता है, कोई बंदे नहीं सुनता है। 2-3 बारी यहाँ भी आए, हमने यहाँ भी रोका है, उन्होंने कोई किसी ने नहीं सुना है। DC साहब के पास भी पार यहाँ हमारे बंदे गया था, किसी ने हमारी नहीं सुना। देखी जाइए पोल वो तार, देखी जाइए हमारी तार नहीं है, कुछ नहीं। हम यहाँ रोकते हैं, बोलते आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। हम फीस भी भरते 700-700 रुपया हम फीस आ गया हमारा बराम भरते। अब तो पंच है इलाके की, तो पंच की जो है आज कहते हैं कि हर कोई सुनता है, तो आप खुद कहती है हमारी कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता है, हम 2 बारी गया है, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं, जिद करते है, कोई नहीं सुनते, जिद करते है, कोई सुनते ही नहीं है, नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते हमारी बात। जी, ठेकेदार को काम मिला और उसके बाद अभी तक ये जो है मुकम्मल नहीं हुआ, क्या आप किसी दफ्तर में गए थे, किसी ऑफिस में गए थे इस चीज़ को लेकर कि काम मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? जी हाँ, हम DC साहब के पास भी गए थे, गांधरबल भी, PDD दफ्तर, उस वहाँ भी हम सब गए थे जनाब। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आपको अगले 1 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर आपका लगेगा और तारें भी आपको लग जाएंगी वहाँ पर, लेकिन तब से लेकर आज तक जनाब किसी ने हमारी तरह कोई नहीं देखा। जी हाँ, लगभग 2 साल हो गए, पिछले 2 साल से ही हमारा मसला चल रहा है। उसके बाद
बावजूद भी खास करके हमारे जो ये कसाना पत्ती है इसके साथ हर लिहाज से हर चीज़ से ज्यादती होती है जनाब, कोई ना इंसाफी है, बहुत ज़बरदस्त ना इंसाफी। आप रास्ते के हिसाब से देख तो, पोलों के हिसाब से, तारों के हिसाब से, हमारे खंभे जो हैं हमने पेड़ों पे बांध के अपने घर तक, किसी ने तार करेड तार लगा कर है, किसी ने बेंडिंग वायर वो तार लगा के जनाब, बड़ी मुश्किल के अंदर है। आप हमारा ये पावर हमारे पास ये फ़ोटो भी उठा के उनके ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो वीडियो नहीं आपको मैं दिखाऊँगा, आप वो भी हम आपका शुक्र गुजार है आप यहाँ तक आए, हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचे कि वो हमारे ऊपर नज़रसानी करे हमारे हमारे मसले पे जनाब, बस मेहरबानी करें। हमको पावर नहीं मिलेगा, हम हमारी तारों को उठा ले जाओ, हम ये हाथ जोड़ते हैं क्या, हमको बहुत जुल्म है कि हम बिल्कुल ये गरीब लोग हैं, इस वक्त यहाँ हमारा मर्द कोई नहीं है, ये औरतें मर्द सब गया कहीं मजदूरी के लिए, लाएगा कल गवर्नमेंट को फीस भरेगा, भरेगा नहीं तो उधर से बोलेगा इनका परमिट भी काट दिया, इनका वो भी काट दिया, क्या करेंगे, मरेंगे। अब हमारे बहुत जुल्म है, ख़ास कर किसानों पट्टी को, इसको बहुत जुल्म है, इसको किसी किस्म की हमको गवर्नमेंट की इंसाफ हमारे पास नहीं है, नहीं देते हैं, है कि नहीं। हम उस चीज़ से हम हाथ जोड़ते हैं कि अल्लाह के लिए जो भी आते हैं, आज देखो मैं खुद बुढ़ा इंसान मरता हूँ, पिछले साल में डीसी साहब के हाउस में दिन को बारिश में बैठ कर मैं वो नफरे मेरा उसको पूछ लो, दिन को मेरे से थर थर दिन बोला बस बेटे इस मार्च में तेरे को दे देंगे, वो मार्च भी चलेगी, दूसरी भी चलेगी, अगर से तीसरी आने वाली है, हमारा किसी ने नहीं सुना, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी है ना, इतनी किसी इलाके में नहीं है जो हमारे साथ नाइंसाफी है। अब हम कहते हैं हमको कुछ इंसाफ करो, गरीब लोग इस वक्त माज गरीब, जिनको रात का खाने नहीं अल्लाह की कसम, वो जाकर मजदूरी करके हम कैसे गवर्नमेंट को पैसे भर, हमारी दो ही बात है, या हमारा पावर उठा ले जाए या हमें पावर दे दें। ये ट्रांसफार्मर को क्या 2-3 साल है यहाँ इसके ये पोल लगा कर ठेकेदार ने लगाया, बेचारा मजदूरों था, उन्होंने मजदूरी की, उनको भी पैसा नहीं मिला, किसी को पैसा नहीं मिला मजदूरी का, ये इतना कौन सा जुल्म है, ये इतनी नाइंसाफी हमारे साथ। जी नाज़रीन, बिल्कुल इन लोगों के साथ नाइंसाफी है। अगर जी ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है वो लैप्स कैसे हो सकता है, अगर जी टेंडरिंग होके इनको जो है काम शुरू कर दिया गया, पोल लगा दिए गए, लेकिन ट्रांसफार्मर यहाँ पर क्यों नहीं लगाया जाता, ये सवाल बनता है उस ठेकेदार पर जिसने काम शुरू किया और अधूरा छोड़ दिया। लेकिन इसकी निगरानी करने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये सोचना चाहिए कि इन लोगों का जो ट्रांसफार्मर है उसमें क्या कमी है, और ये ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द इस इलाके में लग जाना चाहिए ताकि इन गरीब लोगों साथ इंसाफ हो। आप सब लोगों का ग्रोइंग कश्मीर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत अल्लाह ने के बाद। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।